एक बार फिर से हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार रह चुके अभिनेता ऋषि कपूर ने ज्वलंत मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया है। अपनी आने वाली फिल्म मुल्क के प्रमोशन के सिलसिले में दिल्ली के एक इवेंट में पहुंचे अभिनेता ऋषि कपूर ने कहा कि जब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका आपस में मिलकर अपनी समस्याएं सुलझा सकते हैं तो फिर भारत और पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर सकते। अपने अंदाज में बात करते हुए बॉलीवुड स्टार ने कहा, अरे बैठो यार कुर्सी और मेज पर, बैठकर इसका कोई रिजल्ट निकालो, क्या हम लड़ते ही रहेंगे? दुनिया अपनी अपनी समस्या हल कर रही है, हम क्यों नहीं हल कर सकते? अभिनेता ने कहा कि मैंने उस वक्त जन्म लिया जब रूस से कम्युनिज्म हट गया था, साउथ अफ्रीका में काला सफेद का भेद खत्म हो गया था, बर्लिन में ईस्ट और वेस्ट की दीवार गिर गई और जर्मनी को यूनिफॉर्म कर दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ के झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे, क्या हम किसी भी चीज का हल नहीं निकाल सकते? आपको बता दें, हाल ही में पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के प्रेसिडेंट शाहबाज शरीफ ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान को अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के रास्ते पर चलना चाहिए। शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं और उनकी माने तो भारत पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। आपको बता दें कि अनुभव सिन्हा की बहुप्रतीक्षित फिल्म मुल्क 3 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिस पर देशद्रोह का आरोप लगता है क्योंकि वो मुस्लिम है। फिल्म में लीड रोल ऋषि कपूर ने प्ले किया है। उनके अलावा फिल्म में तापसी पन्नू और आशुतोष राणा अहम रोल में हैं।